आप सबको मेरी ओर से आज इस पवित्र दिवस पर इतने पवित्र कार्यक्रम में आप सब टाइम निकाल कर आए, इतनी बारिश होने के बावजूद भी आना, ये कोई श्याम भक्ति कर सकता है। और गौ भक्त भी कर सकते हैं, गौ माता के भक्त यहाँ पे संख्या में है। तो मेरे साथ बुलंद आवाज में बोलिए, खाटू नरेश की, श्याम बाबा की। अब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक नया नारा है जो बनाया है, सुनाई नहीं देता, तो हमें शुरू करना है वो नया नारा भी कहना। तो वो नारा है कि मैं कहूंगी हमारा संकल्प, तो आप कहेंगे अखंड भारत। तो मेरे साथ बोलिए हमारा संकल्प अखंड भारत। सुनाई नहीं दिया, ऐसे करूंगी अखंड भारत, ऐसे होगा, बोलो हमारा संकल्प, हमारा संकल्प। तो क्योंकि आज हम भाग्य नगरी में है, और भाग्य नगरी इसलिए कहती हूं क्योंकि ये भाग्य नगरी ही है, और इस भाग्य नगरी को भाग्य लक्ष्मी माता के मंदिर के नाम से ही जाना जाना चाहिए। वो समय गया जब हैदराबाद चार मीनार के नाम से जाना जाता था। अब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का संदेश देते हुए परम पूजनीय रामानुजाचार्य जी का भव्य मूर्ति स्थापित किया। तो अब भाग्य नगरी जानी जाती है माता लक्ष्मी जी के नाम से, परम पूजनीय आचार्य रामानुजाचार्य जी के नाम से। और ये सभी यहाँ पे मेरे जो सिंगर्स भाई बहन है उनसे भी कहूंगी कि आप जब भी भाग्य नगरी में आए तो हैदराबाद कहना अवॉइड करिए, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा ही है, और जब तक हम उसको हमारा कहेंगे नहीं तो वो हमारा होगा कैसे, हाँ कि ना। तो भाग्य नगरी में आज जब गौ भक्त इकट्ठे हुए हैं, तो मैं एक भाग्य नगर का गौ भक्तों का एक गौरव कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि भाग्य नगर के गौ भक्तों ने क्या बलिदान दिया है। ये बात उस समय की है कि जब हैदराबाद को विलय करने की बात चल रही थी, और तब जो गौ भक्त थे वो हैदराबाद विलय आंदोलन कर रहे थे। एक तरफ हमारे आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत का सपना लिए 563 रियासतों को एक कर रहे थे और अखंड भारत का निर्माण कर रहे थे, वहां पे सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ पे भाग्य नगर में। तब गौ भक्त भी उस आंदोलन में शामिल हुए, और वो गौ भक्त बैलगाड़ी में, आप थोड़ी सी शांति बनाए रखें, तो वो जो गौ भक्त है वो बैलगाड़ी में सामान लेके जा रहे थे, और उसी वक्त यहाँ के जो निजाम है जिन्होंने अपनी सेना बनाई थी मिलिशिया सेना, वो सेना इस आंदोलन के सामने चुनौती बन के खड़ी थी। तो जब गौ भक्त जा रहे थे उसी वक्त उस सेना ने गौ भक्तों पर हमला किया, सभी नंदी बैल के साथ जा रहे थे। तो किसानों को ऐसा लगा कि ये लोग बंदूक से हम पर फायरिंग करेंगे तो हम तो मरेंगे, साथ में हमारी नंदी गाय भी मरेगी। तो किसानों ने, गौ भक्तों ने तय किया कि हम सब स्व इच्छा से निजाम की सेना के सामने समर्पण करते हैं ताकि हमारी गाय बच जाए, ताकि हमारी नंदी बच जाए। और ऐसा हुआ कि वो किसान और गौ भक्त सब एक साइड में खड़े हो गए और लिटरली उनको तालिबानी स्टाइल में शूट किया। अब वो बलिदान देखो कि जिन्होंने गौ माता को बचाने के लिए, नंदी को बचाने के लिए बलिदान दिए, उस भाग्य नगरी में हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे सभी गौ रक्षकों को और गौ सेवा समिति के हमारे भाई बहनों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। दर्शन अग्रवाल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। जसवंत भाई पटेल से मैं आज ही मिली,
वो भी गौ माता की बहुत सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह अपना 100% दे, क्योंकि रामायण में तो गिलहरी के कार्य को भी महान बताया गया है। तो आप तन से मन से जितनी भी हो सके गौ माता की सेवा करिए। आज आपके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, सब कुछ है, कमी किस बात की है कोई बताएगा? गौ माता तो अब हम घर में भी नहीं रख सकते क्योंकि छोटे छोटे घर में रहते हैं भाई, लेकिन जो भी लोग गौ माताओं को रख रहे हैं एटलीस्ट हम उन्हें सपोर्ट करें। और एक चीज की कमी है, वो है बच्चों में संस्कार की, देते ही नहीं है बच्चों को संस्कार। पिता अपने काम में व्यस्त है और माताएं जो है वो अपने काम में व्यस्त है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो एकता कपूर ने बिगाड़ के रखा है। अब हमें क्या करना है कि संस्कार अपने बच्चों में ऐसे दो कि आपके बच्चों को कोई ऐरा गहरा नथु खेरा तो छोड़ो, शाहरुख और सलमान आके पैरों में पड़े फिर भी हमारी बेटियां उसको लात मारे, ऐसे संस्कार हमारे बच्चों में और बेटियों में होने चाहिए। क्योंकि मैं लव जिहाद पे काम करती हूं और दुख होता है जब मारवाड़ी समाज की और गुजराती समाज की बेटियां इन जिहादियों के चुंगल में फंस जाती है। हमारे समाज में भी आज हम ये भव्य कार्य तो कर रहे हैं पर हमारी बेटियां इनके चुंगल में फंस रही है और जा रही है। माता पिता के संस्कार की कहां कमी रह गई कि हमारे यहां पे बेटी को जींस टी शर्ट पहनाने के बावजूद वो बेटी काले टेंट में रहने को तैयार है? आपके संस्कार की कमी है। आज यहां पे हम श्याम महोत्सव तो कर रहे हैं मगर आने वाले समय में अगर आप अपने धर्म को और अपने संस्कार को अपने बच्चों में नहीं देंगे तो 10 वर्षों बाद श्याम महोत्सव सूफी महोत्सव में परिवर्तित होगा और ये हकीकत है। इसलिए आज से ही आप सब मेरी माताओं को काम पे लग जाना है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संस्कार को पीछे छोड़ दें। आपसे ज्यादा मैं मॉडर्न हूं, इंस्टाग्राम पे मेरे फोटो देखिएगा, पर मैं अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को नहीं भूली और अपने दिमाग में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और वो लक्ष्मण रेखा मैं कभी पार नहीं करती। प्रॉब्लम हम में है, अगर एक बेटी चाहे तो अपने परिवार का नाम रोशन भी कर सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। और कोई भी समाज में उस समाज को किस और ले जाना है वो महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्योंकि एक महिला अगर किसी परिवार की बेटी है तो वो किसी की बहू भी बन के जाएगी। बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे कार्यक्रम में देखती हूं कि हमारे बच्चे भगवान के मंदिर में कुछ भी कपड़े पहन के जा रहे हैं, ऐसे भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें भी हमारे बच्चे कुछ भी कपड़े पहन के आ रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ घंटों के लिए आप अपनी बेटियों को सलवार सूट पहना के भेज दो? ये कमी माताओं की है, पुरुषों को क्या समझ में आता है? आपको लगता है कि हम भगवान के दरबार में जीन्स टी शर्ट पहन के कूल लगेंगे? जी नहीं, आप नामाकूल लग रहे हो। तो क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा त्याग और तप परिश्रम तो हमारी नारी शक्ति ने किया है, तो यहां उपस्थित मेरी बहनों को दो शब्द कहना चाहूंगी कि जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और ये इतिहास बदलने का समय आया है। एकता कपूर को देखोगे तो आलिया भट्ट जैसी बेवकूफी पैदा होगी। और अगर आप चाहते हो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नायिका देवी पैदा होए तो आपको भी जीजाबाई और जयवंताबाई बनना पड़ेगा। जब जब अधर्म बढ़ा है तो सतयुग में माता दुर्गा, त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में माता द्रौपदी निमित्त बने हैं, और इस कलयुग में आपको निमित्त बनना है और फिर से धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए मेरी बहनों बोलो, करोगे कि नहीं? आकिना, आपके धर्म को आपको संभालना है। तो यहां उपस्थित, क्योंकि आज भजन चल रहे हैं,
तो अपनी वाणी को बहुत जल्दी विराम देते हुए आप सबको इतना ही कहूंगी कि समय आ गया है जातिवाद में बटना बंद कर दीजिए। मुझे भाई बता रहे थे अभी के 10 स्टेट के यहाँ पे सब इकट्ठे हैं, मारवाड़ी भी है, गुजराती भी है, बंगाली भी है, तेलुगु भी है। तो जब श्याम बाबा के दरबार में हम जाति का भेदभाव ना रख के सब एक होके आ सकते हैं, तो क्या हम एक समाज में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हिंदू एक होकर एक जगह खड़ा रहे, अपने हर एक हिंदू भाई के लिए खड़ा रहे। तो एक भजन मैं भी गाती हूं और आप सबको साथ देना है, तालियां बजती रहनी चाहिए उस भजन में। और मेरा भजन मेरे धर्म से रिलेटेड है क्योंकि मेरे नसों में मेरा खून जो बह रहा है वो धर्म का ही बह रहा है। तो तैयार है आप सब? तो हम लोग शुरू करें। जो मैं बोलूंगी आपको उस लाइन को रिपीट करना है और तालियों के साथ। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागो 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 हिंदू जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन काजी, अरे मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो। जागो तो एक बार जागो जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वारे, अरे वार दिया परिवार, जागो जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार, जागो जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे भगत सिंह दीवाने, फांसी झूले हार न माने, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे कोठारी भाई, मंदिर पर ध्वजा लहराई, शुरू हुआ निर्माण, जागो जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। हिंदू जागे देश जागे, अरे हिंदू जागे देश जागे, देश के सारे दुश्मन भागे, बने ये हिंदू राष्ट्र, जागो जागो तो। अरे चाहिए हिंदू राष्ट्र, जागो जागो तो। अरे लेंगे हिंदू राष्ट्र, जागो जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद काजल हिंदुस्तानी जी का।